नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र ग्राम पंचायत सहायक में भर्ती के लिए आवेदन किए थे, तो उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि इन सभी की सैलरी बढ़ेगी। तो ऐसे कौन से छात्र हैं जिनकी सैलरी बढ़ने वाली है और नियुक्ति पत्र यहाँ से मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ में बता दूँ कि ये अभ्यर्थी चयन से हो जाएंगे वंचित। तो ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं, किनको चयन से वंचित किया जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ जानने को मिलेगा। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो यहां पे पहले आप देख सकते हैं, यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहले आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, ग्राम पंचायत प्रधान से ज़्यादा मिलेगी सैलरी। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ग्राम प्रधान से ज़्यादा सैलरी पाएंगे पंचायत सहायक। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। मैं आपको ये वाला न्यूज़ देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा के बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा के बताता हूँ। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हेडलाइन पे साफ साफ लिखा गया है कि सहायक भर्ती से आवेदन करने वाले ये अभ्यर्थी चयन से हो जाएंगे वंचित। जानिए क्या है पूरा मामला। तो इस मामले को बारीकी से समझ लेते हैं। आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं, 11 सितंबर का ये न्यूज़ है 1:47 पे। ओके, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं क्या इसका मामला चल रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में ग्रामीण इलाकों के पंचायत भवनों में पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए 58,000 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई थी। इन पदों में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को चयन उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। इन पदों में केवल लंबित ग्राम पंचायत की मूल निवासी ही आवेदन करने के लिए योग्यता रखता था। बता दें कि पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों में आवेदन वाले अभ्यर्थी की मेरिट सूची में 4 से 17 सितंबर तक जारी होनी थी। ऐसे में आज हम आपको इस भर्ती में जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। अगर आपने अपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हर एक आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किन उम्मीदवारों को नहीं होगा चयन, ये लाइनें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाने वाली पंचायत सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन होगा जो संबंधित ग्राम प्रधान की जाति या कैटेगरी या ताल्लुक रखते होंगे। यानी ग्राम प्रधान के यदि महिला है तो पंचायत सहायक भी महिला अभ्यर्थी की होगी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा यदि ग्राम प्रधान पुरुष है लेकिन अनुसूचित जाति का है तो ऐसे में अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी को भर्ती की वरीयता दी जाएगी। ओके, यहाँ पर यह भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए, इसके अलावा अन्य जाति वर्ग के उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। तो ये हुई बात। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि चयन प्रक्रिया में वैधता कुछ अन्य नियम। तो क्या है नियम, इसको बारीकी से पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर दो उम्मीदवार की 10वीं अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उच्च शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार को वैधता दी जाएगी। मतलब जिनकी उच्च शैक्षिक योग्यता होगा उनको वैधता फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए, वह अभ्यर्थी जो पंचायत भवन केंद्र के पंचायत के अंतर्गत निवास करता होगा उसे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि वह अभ्यर्थी जो पंचायत भवन केंद्र के पंचायत के अंतर्गत निवास करता होगा उसे अन्य उम्मीदवार की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी मायने लगाएगा ये चीज़। उसके बाद देखिए, अगर किन्हीं दो उम्मीदवार की सच्ची योग्यता निवास स्थान भी समान पाए जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवार में जिनकी आयु सीमा अधिक होगी उसे वैधता प्रदान की जाएगी। तो ये आयु सीमा पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये सब सेम होगा, तो उन सभी छात्रों के लिए जिनका आयु अधिक होगा उनको मिल पाएगी। ओके, अब चलिए जानते हैं कि सैलरी कैसे मिल पाएगी और आपको नियुक्ति कहाँ से मिल पाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, मैं उसके लिए भी न्यूज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पंचायत ग्राम प्रधान से ज़्यादा सैलरी पाएंगे पंचायत सहायक। क्या बताया जा रहा है इसमें, मैं आपको हेडलाइन पढ़ के मैं बताने वाला हूँ। उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन में पढ़ के बताऊँगा, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे ग्राम पंचायत में बनाए गए पंचायत भवनों के एक छत के नीचे गाँव वालों के सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मतलब सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी यहीं मिल पाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने मानदेय के आधार पर पंचायत सहायकों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति 11 माह के लिए की है। मतलब 11 माह के लिए आपका जो भी ये ऑपरेटर की भर्ती है 11 माह के लिए रहेगा। उसके बाद संतोषजनक होने वाले उन्हें आगे भी नवीनकृत किया जाएगा। मतलब
संतोषजनक होने पर उन्हें आगे भी नवीनकृत किया जा सकेगा। भारत में पंचायत सहायक की नियुक्ति करने के लिए इंटर पास की योग्यता निर्धारित की गई है, जबकि उन्हें सभी काम कंप्यूटर पर करने हैं। अब देखना होगा कि पंचायत सहायक अपने दायित्व को पूरा करने में कितना सफल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चयनित अभ्यर्थियों को कंप्यूटर चलाने की जानकारी ही नहीं है। सबसे आम बात यह है कि ग्राम पंचायत में नियुक्ति पत्र पंचायत सहायक ग्राम प्रधानों के ज़्यादा मान दे पाएंगे, मतलब पंचायत सहायक ग्राम प्रधानों से ज़्यादा मान दे पाएंगे। उसके बाद वर्तमान समय में ग्राम प्रधान 3,500 रुपये ही मान दे पा रहे हैं, जबकि पंचायत सहायक 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है मिला जुला कर कि आपकी सैलरी 6,000 मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर आप सही से काम करते हो, यहाँ पे हेडलाइन पे यहाँ पे बताया गया था कि अगर आप सही से काम करते हो तो आपकी कार्य सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, और कार्य सैलरी बढ़ेगी तो सैलरी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। ओके, ये तो निश्चित है। अब बात करते हैं कि आपको नियुक्ति कहाँ से कैसे मिल पाएगी। तो नियुक्ति पत्र जब भी आपको मिल पाएगा आपके ग्राम प्रधान से मिल पाएगा, या एक वेबसाइट है ग्राम पंचायत, में आपको बता दूँ grampanchayatiraj.in, वहाँ से भी मिल पाएगा। वहाँ पे पोर्टल नहीं खुल रहा है, लेकिन अब 12 से 12 बजे तक ट्राई करिएगा, शायद खुल जाए। और वहाँ पे खुल जाएगा तो आपको वहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, यही थी आज की अपडेट। और कोई इसके अकॉर्डिंग अपडेट आता है मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे और कोई और अपडेट आएगा मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।